चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का जमान पार्क में आज तीसरा इफ्तारी हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मनाजर आईके टुडे यूट्यूब चैनल बराए रास्त जमान पार्क से दिखा रहे हैं। वीडियो आखिर तक देखना है। लोगों ने क्या पैगाम दिया, इमरान खान ने क्या गुफ्तगू किया, लाजिमी दोस्तों के साथ शेयर करना है। कितना खूबसूरत मनाजर है और दुआ जरा देखे क्या हालात था, क्या मनाजर था। देखते रहो आईके टुडे यूट्यूब चैनल से बराए रास्त जमान पार्क का ये मनाजर। या अल्लाह खान साहब की हिफाजत फरमा, इस कौम के लिए खान साहब को मजबूत कर और इस उम्मत मुस्लिम का लीडर इमरान खान को एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना। तो अपने हिफ्ज़े ईमान में इमरान खान को रख और हमारी उम्र भी उसी अता फरमा। आमीन। रोजा खुल गया। पीछे कैंप में बैठे हैं। रोजा खुल गया। खान साहब 12 तारीख को यहाँ आए थे। 12 तारीख को इस मंथ की 12 तारीख 3 हफ्ते और पीछे जब भी आए थे आप। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का आज तीसरा इफ्तारी जमान पार्क में कारकुनान के दरमियान हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह कारकुनान ने बड़ा गुफ्तगू किया इमरान खान के साथ, एक शानदार मनाजर था आज के इफ्तारी में भी। ये मनाजर आई के टुडे यूट्यूब चैनल दिखा रहा है। ये बच्चा जो है जी बावलपुर से है। जब तीसरा इफ्तारी खोल गया कारकुनान ने इमरान खान से सवालात किया अपने मेनेज और एमपीज का जो कारकर्दगी है उससे। इमरान खान को आगाह किया, इमरान खान ने जवाबात भी दिया, इमरान खान ने सवाल भी पूछा। कारकुनान बड़े मुतमईन था, ख्वातीन का बड़ा तादाद इस इफ्तारी में आज मौजूद था। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ बड़े तादाद में आज कारकुन पेर अफ्तारी के बाद जो कारकुनान खान साहब के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं वो मनाजर भी आपको दिखा रहे हैं। ये मनाजर आपको आई के टुडे यूट्यूब चैनल बराए रास्त जमान पार्क से दिखा रहा है। खान साहब का आज तीसरा इफ्तारी था जो जमान पार्क में कारकुनान के दरमियान किया। इसके बाद जो खान साहब चला गया अपने घर के तरफ तो कारकुनान ने खूबसूरत जुमलों से खान साहब के लिए और पाकिस्तान के लिए जो पैगाम दिए वो ज़रा सुनिए। जी खान साहब के साथ अफ्तारी करके बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल उन्होंने वर्कर्स के साथ बैठ के अफ्तारी की। ऐसा लीडर हमने अभी तक नहीं देखा क्योंकि बाकी सारे लीडरान को तो हमने इसी तरह से देखा कि आसमान पे बैठे होते हैं और बाकी सब जमीन पे। इमरान खान के साथ अफ्तारी की है, बहुत खुशी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने लीडर के साथ जो इस मुल्क के साथ पूरे मुल्क के लिए लड़ रहा है उनको देख के ऐसे लगे जैसे कि आज चांद रात है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अफ्तारी थी, जज़ाकअल्लाह। यहाँ पर बहुत आवाम आई हुई है, साउथ पंजाब पूरा आया हुआ है, पूरा पेशावर केपी की माशाल्लाह यहाँ पे मिलके बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हुई है खान साहब के साथ इफ्तारी करके। कारकुनान का जज्बा देख के मजीद जज्बा बढ़ गया है। अल्लाह ताला खान साहब की लंबी उम्र करे और उन्हें हमेशा ऐसे हमारे सरों पे कायम रखे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप लोगों ने देखा रोज़ा तो वैसे भी खुशी मतलब अफ्तारी खुशी का समा होता है लेकिन वो अफ्तारी जो खान साहब के साथ गुजरे तो वो किसी ईद से कम नहीं होती। सरवर भाई जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाहिश पूरा हो गया, खान साहब से मुलाकात हुई, अपनी लीडर से मुलाकात हुई, पाकिस्तान से मेहरबानी आप करें, करो जी करो। अस्सलाम वालेकुम। हमें पूरी जिंदगी में आज जो खुशी मुझे मिली है वो मैं क्या बता दूं, लेकिन खान साहब के साथ हमारा दिल धड़कता है और दिल दुख करता है और हम खान साहब से
जान भी कुर्बान है इंशाल्लाह। देखिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं तहे दिल से मशहूर हूँ यहाँ की जो हमारी जो लोग यहाँ पे करता धरता है, और जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मुर्शिद के साथ बैठ के हमने रोजा इफ्तार किया, और ये वो मुर्शिद है कि जो डर के भागा नहीं, यहाँ पे रहा, गोलियां खाई अवाम के लिए, यहाँ पे रहा। हम खान साहब आपके साथ हैं, आप डटे रहे इंशाल्लाह। हम गिलगित बल्तिस्तान से आए, हम शुक्रिया अदा करते हैं इंशाल्लाह। हम आज 20 दिनों से यहाँ पे डटे हुए हैं, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, इंशाल्लाह जब तक इंकलाब नहीं आता, ये चोरों का टोला जो इनके खानदान हमारे ऊपर मुसलवत, हमने अपना कारोबार घर बार अपनी ज़ाती खर्चे से 32 घंटे का सफर तय करके आए, इंशाल्लाह हम डटे। जी 95 दिन से इधर हूँ, और दूसरी मुलाकात आज जो खान का मैंने चांद देखा और अफतारी का मजा दुबाला हो गया है। अपने लीडर को मिलके आज खान के साथ अफतारी की है और अफतारी का मजा दुबाला हो गया, आज चांद निकला है यहाँ। जी अफतारी हुआ है आपके खान साहब के साथ, क्या कहना चाहते हैं? मेरा खान साहब का जो अफतारी मैंने हुए है ना, बहुत बेहतरीन था, और ये इस तरह बेहतरीन था कि मैंने कभी जिंदगी में इस तरह अफतारी जो की है ना, इस तरह नहीं किया है। अभी मेरा यह ख्वाहिश है कि मैं इमरान खान के साथ ये एक फोटो लगा लूँ और इसको साथ एक जबरदस्त। जी अफतारी से ज्यादा मदद तो इसलिए आया कि खान साहब के साथ अफतारी थी, आज सारे वर्कर खुश है, अफतारी भी जबरदस्त की। एक अजीम लीडर के साथ आज अफतारी हुई है और इतने खुश हो गए तमाम पाकिस्तान के जो यहाँ कारकुनान हर जिले से आए थे, खासकर जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के लोग थे। यकीन अल्लाह की ज़ात पे करें, एक अजीम लीडर के साथ आज हमारी अफतारी हुई और इतनी ज़बरदस्त अफतारी थी, इतनी रूहानियत थी इसमें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरे आलम इस्लाम में इस्लाम का बोलबाला होगा, और इमरान खान एक दफ़ा इमरान खान इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा, और आलम इस्लाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून को और आलम इस्लाम को ऊपर लेके जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम अल्लाह जल्ल शानहू ने इमरान खान साहब को के सुपुर्द कर दिया है, और इमरान खान साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह अज़ीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खान साहब के साथ हमने इफ्तारी की है साहिवाल से, हम सारे साथी जेल में गए थे और हमने बकायदा खान साहब के साथ बैठ के इफ्तारी की। जीराबाद से तैमूर अकरम, हान के लिए आज इफ्तारी किया, हान के साथ दिल खुश हो गया, हान के लिए जान भी हाजिर, हान हजार दफा भी कहेगा हमारे मेरे लिए जिधर आओ हम उधर आएंगे, हम उसके लिए जान देने के लिए तैयार है, हान जिंदाबाद। अल्लाह रहमान रहीम, खान साहब ने जेड़ा सानू इत्थे बुला के जेड़ा हैगा इफ्तारी साढ़े नाल बैठ के की, असी बहुत खुश होए हैं। खान साहब की पार्टी लिए साड़ी जान भी हाजिर आ, खान साहब जिथे सानू बुलाउण असी इंशाल्लाह अल्लाह दे फजल दे नाल असी बहुत खुश होए। खान साहब ने सानू साढ़े बैठ के जेड़ा जेल च भी असी खान साहब का उत्थे जिक्र बुलंद किया, और खान साहब ने जेड़ा सानू पैगाम दिता उन्हूं असी घर घर इंशाल्लाह पहुंचावांगे जा।